चलिए एक और निमसेंट के बच्चे से मिलते हैं जिसकी ऑल इंडिया रैंक 122 है, अनुभव से जो कि आगरा से हैं। और अनुभव, सबसे पहले तो आपको ऑल इंडिया रैंक 122 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, सर आपकी वजह से ही सर ऐसा रहा कि आपने फुल सर पूरे ईयर सपोर्ट करा है, तो इसकी वजह से ही सर गाइडेंस आपकी थी, उसकी वजह से आप आए अपना रैंक। थैंक यू बेटा, और आपकी मेहनत है, इंपिटस का गाइडेंस है, दोनों के कॉम्बिनेशन से इक्वल टू रिजल्ट मिला हमें। अच्छा अनुभव, क्योंकि जी आपने सर, बताया जैसे आपने ड्रॉप लिया था, तो आपकी इंटायर सक्सेस जर्नी क्या, कब आपने सोचा, फिर लास्ट ईयर जब आपने ड्रॉप लिया तो किस तरह से डिसीजन लिया, क्या आपका इंटायर जर्नी है? सर जैसे इससे पहले लास्ट ईयर तक मेरा एज सच निमसेट का प्लान नहीं था, तो मेरे को आइडिया था निमसेट क्या एग्जाम होता है, लेकिन मैंने जैसे फिजिक्स में मेरे को जाना था, लेकिन फॉर सम रीजन वो प्लान आउट उतना नहीं हुआ। तो फिर मेरे को लास्ट बिल्कुल लास्ट मंथ में पता चला कि निमसेट का एग्जाम होता है, तो सर मैंने फिर आपका मैजिकल कोर्स था वो लास्ट ऑलमोस्ट सर लास्ट 2 वीक्स में ज्वाइन करा, तो सर लास्ट उससे ईयर, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ाई वढ़ाई हाँ करी। जी सर लास्ट ईयर, तो उससे ठीक पढ़ाई है, करी और थोड़ा बहुत उसकी वजह से सर, तो उसमें 222 मार्क्स आए थे मेरे लास्ट ईयर बहुत और अच्छे थ्री मार्क्स थाउजेंड हैं। प्लस समथिंग रैंक थी। तो ठीक है, वही सर, तो सर आपकी गाइडेंस थी उसमें, तो सर काफी चीजें आपने शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी जो मेरे को आइडिया ही नहीं था कि अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं हम क्वेश्चन को, इतनी जल्दी हो जाते हैं, तो सर वो था। फिर मेरे को सर मार्क्स मतलब थोड़ा मैं सेटिस्फाइड था नहीं रिजल्ट से मेरे को, क्योंकि वर्क उतना पुट इन करा नहीं था, तो मैंने ये सोचा था कि अच्छा ऐसा करते हैं ढंग से एक बार पूरा 1 साल प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं कर लूंगा क्रैक, ऐसा नहीं है। और सर आपकी गाइडेंस थी, तो थ्रू आउट द ईयर सर आपने भी सेशन जितने लिए तो उसमें भी सर मैंने काफी डाउट्स भी पूछे, उससे सर आज इतने मार्क्स आए हैं। तो अनुभव बिल्कुल सही बोला। अक्सर ये एक्चुअल में मैजिकल कोर्स के थ्रू कई बार बच्चे बहुत लेट जुड़ते हैं, पर ये मैजिकल कोर्स मैजिक दिखा देता है, क्योंकि जी कम सर, समय में भी आप इतनी अच्छी स्कोर या रैंक ला पाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है कि मैं साल भर प्रिपरेशन करूंगा तो ऑब्वियसली मैं अच्छा रिजल्ट दे सकता हूँ, अच्छी रैंक दे सकता हूँ। देखो आप इसके बाद के बिल्कुल प्रूफ है कि आपने 122 रैंक दी, और उस जी पंद्रह सर दिन की 20 दिन की प्रिपरेशन ने आपको ये कॉन्फिडेंस दे दिया। और एक चीज मैंने देखी, जब बच्चा इंपिटस से जुड़ता है, वो किसी भी तरह की कोर्स से जुड़े, उसके बाद उसको कोई कंफ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि हम अपना बेस्ट दें, फिर बच्चे भी अपना बेस्ट देते हैं, और वो आपने करा भी। तो जब आपने ड्रॉप का डिसीजन जी सर लिया, तो इस साल कहीं आपको स्ट्रेस आउट हुआ, कहीं कहीं लगा कि यार पता नहीं क्या होगा, इस तरह का कई बार मन में? क्यों मैं इसलिए पूछा है क्वेश्चन, जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं वो बड़े डरते हैं, तो उनके लिए आप बता पाओगे कि आपके के साथ क्या फीलिंग रही आपकी? सर मैं तो सर सही बताऊं सर पूरा श्रेय सर आपको जाता है, क्योंकि सर थ्रू आउट द ईयर आपने सर जितना सपोर्ट करा है ना सर हम लोगों को, मैं कभी भी डिमोटिवेट होता था ना सर, तो आपका जैसे विद इन अ वीक आ जाता था सेशन, तो सर हमेशा सेशन से मैं जुड़ा रहा, तो सर आप हमेशा मोटिवेट करते थे कि अच्छा कोई बात नहीं, इस अगर संडे को अच्छा नहीं गया टेस्ट तो आप नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छा स्कोर करना, और थोड़ा सर ये रहता था कि मेरे को आपने जैसे बना बना करके ना सर बातें आपने इतना मेरे को स्ट्रांग कर दिया था कि मेरे को पता था कि मैं कैसा भी एग्जाम आएगा आई विल हैंडल इट। तो मेरे को पहले से सर थ्रू आउट द ईयर कंडीशनिंग आपने ऐसी करी सर हम लोगों की, तो ऐसा डर नहीं था कि अच्छा मेरा ड्रॉप ईयर है अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो सर दिमाग में था ही नहीं कुछ, बस ये था कि एग्जाम में जाना है अपना बेस्ट देके आना है। थोड़े बहुत सर ब्लंडर्स हुए क्योंकि वो वहां जाके थोड़ा सा हो जाता है वो तो होता है, नर्वसनेस, सही लेकिन बात सर है। आपकी सर बदौलत, आपकी बदौलत सर वो थ्रू आउट द ईयर आपने इतना मोटिवेशन दिया है सर, तो उसकी वजह से एज सच कोई मेरे को डिमोटिवेशन तो कभी हुआ नहीं। चलो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा अनुभव, जब आप, क्योंकि आप पूरे साल जुड़े रहे, क्लासेस रेगुलर करी, सेशंस करे, टेस्ट भी दिए, तो टेस्ट में स्कोर, क्योंकि हमने हर लेवल का इस बार टेस्ट लिया था, सिंपल से टफ, अलग टाइप का भी, तो जब टेस्ट में स्कोर डाउन होता था, तो क्या थॉट्स मन में आते थे? सर स्कोर जब से डाउन होता था तो मेरी जैसे रैंक वगैरह मैं देखता था, थोड़ा स्कोर देखता था, फिर मेरे को ये समझ आ जाता था कि अच्छा मैं भी मेरा बाकी बच्चे अगर मुझसे अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि सब सब लोग वही पढ़ रहे हैं जो सर आप पढ़ा रहे हैं, तो पोटेंशियल अपने अंदर पता रहता है सबको कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आप सर सेशन लेते हैं उससे भी थोड़ा अंदर से जागरूकता आ जाती है कि नहीं नहीं अब मैं इतना कर सकता हूँ, ये वाला क्वेश्चन मेरे को ऐसे स्ट्राइक नहीं करा, अगली बार जब आएगा ये क्वेश्चन या इससे सिमिलर आएगा तो मैं उसी तरीके से सॉल्व करूंगा। तो सर जब भी डिमोटिवेशन होता था या जब भी मार्क्स कम आते थे तो सर यही रहता था कि अच्छा अब अगले संडे में देखूंगा, अगले संडे में कैसे मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, तो सर वो कभी भी दिमाग में कभी रहा नहीं कि अच्छा इस मार्क्स इस बार कम आ गए, तो मोटिवेशन लेके हमेशा आगे ही बढ़ना था कि हाँ नेक्स्ट टेस्ट में जितना अच्छे से अच्छा होगा उतना अपना दूंगा। कितनी अच्छी बात बोली अनुभव, कि जब दूसरे बच्चों के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो कई बच्चे स्ट्रेस लेते हैं, पर आपने एक बहुत अच्छा कीवर्ड बोला कि उनको देख के मेरे भी आ सकते हैं, जब एक और किसी के आ रहे हैं और वही सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और अगले संडे प्रूव करूंगा। और ये एक
पॉजिटिव थॉट कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव एनर्जी भी देता और एक अच्छा रिजल्ट देता जो आपने कन्वर्ट भी करा। तो अनुभव ये बताओ कि अब आपने, आपका नाम भी ऐसा ही है, कि अपने अनुभव से कि जो बच्चे अक्सर ड्रॉप लेते हैं वो काफी टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? सर ये है कि जैसे हम ड्रॉप लिए डिसाइड करते हैं ना सर, तो मैंने ऑलमोस्ट सर 2 दिन अपने आप दिमाग में ये बना के बैठा था कि नहीं, अब मैं पूरा ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं सर से जुड़ रहा हूँ, तो मेरे को पूरा अपना 100% देना है सर। मैंने कोई भी सोशल मीडिया इस टाइम यूज नहीं करे और बाहर भी सर जाना ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया था। तो ये था कि अब मैं अगर दे रहा हूँ तो अब मैं अपना 100% दूँ, मेरे को ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए इस एक साल के बाद कि अगर मैं थोड़ा और कर लेता तो मेरा कुछ अच्छा हो जाता, या मैं इतना नहीं कर पाया, मैंने ये नहीं करा। तो सर मैंने सब अपनी तरफ से जितने डिस्ट्रैक्शन थे सर वो अपनी तरफ से एलिमिनेट करने का ट्राई करा। तो जो भी सर ड्रॉप लें वो ये डिसीजन ले करके बैठें, अपना 1 दिन दें, 2 दिन दें, ये सब पूरा अपना मन बना के बैठें कि अच्छा मैं 1 साल एकदम अच्छी शिद्दत से पढ़ाई करूंगा, एकदम लगन से पढ़ाई करूंगा, सर जो बोलेंगे वो फॉलो करूंगा, और फिर रिजल्ट तो सर आता ही है। तो यही मेरा मैसेज रहेगा ड्रॉपर्स को। बिल्कुल सही बात बोली कि अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो या तो 100% दे या नहीं तो नहीं दे, ना ले ड्रॉप, ये बिल्कुल सच बात है। और दूसरी बात कि आपने अभी बोला कि मैं 1 साल से बिल्कुल हर चीज से दूर हो गया, सोशल मीडिया से, जाने से, सब चीजों से, कहीं ना कहीं वही जो मैं डायलॉग बोलता हूँ, बिना मारे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मेहनत के अच्छा रिजल्ट भी नहीं आता। तो आप दे भी रहे हो पर साथ में चार यस चीजें और चल रही, तो कहीं ना कहीं हमें उसका लॉस भी होता है, तो वो आपने नहीं करा, ये बहुत ही खुशी की बात है। अच्छा, इस बार एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट था, एग्जाम हॉल में जब गए आप तो आपको क्या फील आया, और अगर आपको मतलब आपने उसको किस ढंग से हैंडल किया, क्योंकि ये इस बार मैं चाहता हूँ बच्चे इस चीज के लिए अभी से मेंटली प्रिपेयर हो, तो आपको, आपने किस तरह से डील किया पेपर को? सर, पेपर में तो थैंकफुली सर इम्पिटस में तो सर जनवरी से ही हम लोगों ने सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर दिए थे, तो सर वो वाली चीज तो कभी ऐसी दिमाग में रही नहीं कि अच्छा इसमें इतना ही टाइम है, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल इतना हो गए थे, इतने टेस्ट दिए थे सर, 200+ टेस्ट हो चुके हैं सर ओवर द ईयर हमारे। तो सर वो चीज उतनी ज्यादा मेरे को अफेक्ट नहीं करी कि अच्छा ये टाइम्ड है इसमें इतना ज्यादा होगा वो, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस ही कर रहे थे इतनी ज्यादा। तो वहां जाके बस सर मैं थोड़ा सा जल्दी जाके थोड़ा इन्वायरमेंट को थोड़ा ऐसा अपना फेमिलियराइज कर लेता हूँ कि अच्छा मुझे यहाँ देना है टेस्ट, यहाँ एग्जाम देना है मेरे को, और एकदम शांत मन से जो भी अपना भगवान का नाम लेना हो या जो भी जिसकी फॉलोइंग जो करना है वो करे, और काम रह करके पानी वानी पी के सर जैसे आप बताते थे वैसे करके पेपर देना स्टार्ट करा। और फिर सर क्वेश्चंस बनते गए, थोड़ा बीच में हुआ एक दो चीजें, और ये था कि सबसे ज्यादा सर जैसे आप बोलते हैं कि ये पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं इंस्टेड ऑफ कि कौन से क्वेश्चन मेरे को करने हैं। तो सर जो क्वेश्चन छोड़ने वाले थे जो लग रहे थे कि अच्छा ये तो बहुत ज्यादा टाइम ले लेंगे इनको बाद में करेंगे, तो वो सर राउंड्स वाली चीज बहुत हेल्पफुल हुई। और बाकी सर यही था कि वहां जाकर के आप, और सर मैं तो इतना ज्यादा वहां पे एकदम एग्जाम में घुस जाते हैं, फोकस इतना आ जाता है कि सर मैं पानी की बोतल लेके गया था, पूरे 2 घंटे हो गए सर पानी की एक घूंट नहीं पिया मैं, मेरे को पता ही नहीं लगा कब टाइम निकल गया, तो वहां वो टाइम बहुत जल्दी निकलता है। बिल्कुल सही बात बोली, और आपने बहुत अच्छे से फॉलो किया मेरी छोटी छोटी बातें जो आप अभी बता रहे हो, हर चीज को फॉलो किया, और देखो आज कहीं ना कहीं इतना अच्छा रिजल्ट है, और बहुत कम समय में आपने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, बहुत बढ़िया बात है। और अनुभव, आप अभी ऐसे ही NIT में भी जाके परफॉर्म करो, और आगे भी अब लाइफ में, क्योंकि एक अचीवमेंट इंटायर लाइफ में हमें टेंशन खत्म कर देता है, अब हमें डर लगना बंद हो जाता है, और खैर आप डरे भी नहीं साल भर, ही अच्छी बात थी। तो ऐसे ही आगे बढ़ो, खूब ग्रो करो, और NIT में ऐसे ही अच्छी प्रोग्रेस करो। जी सर, जी सर, बस आपका आशीर्वाद है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरा बहुत हेल्प आशीर्वाद करी। और मेरा सपोर्ट हमेशा है, ऑल द बेस्ट, और अब अपन अवार्ड सेरेमनी में फिर मिलेंगे। जी सर, जी सर, जरूर सर, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू।